Audio Jungle. एसकेपी 7 न्यूज नालंदा। पर्यवेक्षण गृह से फरार चार बाल कैदी फरार। मामले में बड़ी कार्रवाई। अधीक्षक और जवान सहित 8 कर्मी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। बिहार शरीफ के दीपनगढ़ थाना क्षेत्र स्थित पर्यवेक्षण गृह के बाथरूम का रॉड काटकर रात में फरार हुए चार बाल कैदियों के मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर दीपनगढ़ थाने में मामला दर्ज करते हुए उपाधीक्षक दृघराज, होमगार्ड के जवान सहित 8 कर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक ने जांच के बाद इन लोगों के विरुद्ध थाने में मामला दर्ज कराया था। फरार बाल कैदियों में हत्या, बलात्कार और लड़की भगाने का मामला दर्ज था। आश्चर्यजनक बात यह है कि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को भनक तक नहीं लगी। सुबह गिनती के बाद चारों किशोर के भागने के बारे में जानकारी हो सकी। जानकारी मिलते ही डीएम योगेंद्र सिंह पर्यवेक्षण गृह पहुंचे और पूरे मामले को गंभीरता से जांच की और कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इससे पहले अब डीएम, एसपी और किशोर न्याय परिषद के न्यायाधीश ने बाल गृह की तलाशी के दौरान मोबाइल एवं गांजा चिलम को बरामद किया था। फरार किशोर ऋतिक हत्याकांड का है आरोपी। सूत्रों की माने तो पर्यवेक्षण गृह से फरार एक आरोपी एक कांग्रेस राय के बहुचर्चित ऋतिक हत्याकांड में शामिल रहा था। हालांकि वह पहले भी गिरफ्तारी के बाद एक कांग्रेस राय थाने से फरार हो गया था। उसके फरार होने के बाद पुलिस ने उसे आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया था। बाकी तीनों दुष्कर्म, बाइक चोरी और किशोरी भगाने का आरोपी है। बाथरूम का रॉड काटकर फरार हुए चारों किशोर सुनियोजित तरीके से रविवार को करीब 3 बजे सभी किशोर बाथरूम के गलियारे में लगे खिड़की का रॉड काटकर फरार हो गए थे। हैरानी की बात यह है कि सुरक्षा में तैनात कर्मी व अन्य कर्मचारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। उपाधीक्षक की मिली भगत से बचे हुए फरार। जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से पूर्व में भी आदेश दिए गए थे, मगर इनके द्वारा पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके लिए अधीक्षक से स्पष्टीकरण की मांग की थी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्हीं सब बातों को लेकर जब जांच किया गया तो पता चल कि अधीक्षक की लापरवाही से यहां घोर कुव्यवस्था व्याप्त है। इन बाल कैदियों से जो भी मिलने आते थे या खाने का सामान देते थे, उनकी पूरी तरह जांच नहीं की जाती था। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहते हुए इसका पालन नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण यहां से बच्चे फरार हो गए। साथ ही बच्चों को पकड़ने के लिए एसआईटी टीम का गठन किया गया है और टीम द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। नालंदा से सूरज कुमार की।